इस वक्त की बड़ी खबर है, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कल होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये ऐलान करेंगे। बोर्ड की परीक्षाएं साफ कर दिया गया है, ऑनलाइन नहीं होंगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लिखित में होंगी। फरवरी तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा बहुत अहम है और अगले सत्र से स्कूल शुरू करने पर विचार भी किया जा रहा है, लेकिन ये फैसला परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, उनके मन में एक इच्छा है कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे, तो इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी कल ही आएगी या पहले बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक ऑनलाइन का है, वो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत है। वो दिक्कत यह है कि अभी अंतिम छोर तक का जो बच्चा, जिसके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है या नेट की व्यवस्था नहीं है, अभी हम लोगों ने जो व्यवस्था की वो टीवी से हम उसके पास जा रहे हैं, हम रेडियो से जा रहे हैं, सामुदायिक रेडियो से जा रहे हैं, तो वो जो बच्चा है हमारा अंतिम छोर पर रहने वाला, उसको भी साथ में हमने रखना है। इसलिए जो वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं, वो वर्तमान में परिस्थितियाँ ऑनलाइन की नहीं हैं। अभी तो जैसे परीक्षाएं हम पहले करते थे, वैसी परीक्षाएं हम कराएंगे। सर, शिक्षा मंत्री के नाते एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो बच्चों में आँख में परेशानी की शिकायत, मतलब बच्चों की दिक्कतें कई सारी आ रही हैं, क्या उसका तो नॉर्मल क्लासेस कब से शुरू होंगे, इसको लेकर भी कोई प्लान बना रही क्या सरकार? ये बात सही है कि अभी परिस्थितियाँ हैं और जब आदत नहीं होती है और फ़ोन पर या उस पर बैठना पड़ेगा बच्चे को, तो दिक्कतें हैं। जैसे बच्चा घर में रह रहा था तो अवसाद में जा रहा था, तो हमने विकल्प निकाला, हमने मनोदर्पण करके एक योजना निकाली, जिसमें हमारे 500 वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक हैं और डॉक्टर्स हैं, वो लगातार संवाद करते हैं, और एक पोर्टल भी बनाया ताकि बच्चा अवसाद में न जाए, अभिभावक अवसाद में न जाने की स्थिति पैदा हो। वो बहुत सफलतम कार्यक्रम है, वो भी दुनिया का अपने ढंग का हमने किया है। ये जो आपने जिस समस्या को बताया कि आँखों में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, थोड़ा सा अभ्यास होगा मुझे लगता है, उस अभ्यास से वो शायद ठीक होगा, लेकिन प्रज्ञता एक हमने बाकायदा गाइडलाइन बनाई है और उस प्रज्ञता गाइडलाइन से शायद इसका भी समाधान हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, चूँकि सेशन खत्म होगा, एग्ज़ाम की बात आ रही है, एग्ज़ाम के बाद क्या जो नया सेशन शुरू होगा उसमें फिजिकली बच्चे स्कूल जा पाएंगे या उसको उसका लेकर प्लान बन रहा है कि नेक्स्ट सेशन से फिजिकल प्रेजेंस जरूर होगा, स्कूल खुल जाएंगे ऑफिशियली? मुझे लगता है कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, अभी बोलना कुछ जल्दी होगा, और जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती हैं वैसे तो देश में सभी राज्यों को हमने ये कहा है कि क्या स्थिति है उनकी, वो देखें, और जैसे स्थितियां सामान्य होंगी हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उसके लिए भी अलग से हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं, यदि बच्चे आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, एक सीट छोड़ कर के आएंगे, उनके यातायात से लेकर उनका टोटली सुरक्षा के जो मानक हैं उनको पूरे करने पड़ेंगे। जिस जिसने भी उन सुरक्षा के मानकों को पूरा किया, वहाँ कोई आपत्ति नहीं आई, कोई शिकायत भी नहीं आई, तो सुरक्षा के मानकों को तो पूरा करना पड़ेगा। सर, एक तो एक बार फिर से बताते हुए, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कल होगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।